नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस और एक प्रोसेस रेस्पिरेशन. मेटाबॉलिज्म के साथ ताल्लुक है. मेटाबॉलिज्म कहते हैं, सम ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, occurring in the body of living organism is called metabolism. इसमें एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म. Anabolisms means small and simple molecules combined together to form large and complex molecules. That's called anabolism. That's constructive process, for example, photosynthesis. Or catabolism, the process in which large and complex molecules are broken down into small and simpler ones. That's called is catabolism. For example, respiration. So, photosynthesis एक ऐसा process है जितनी भी autotroph है. Autotroph means those living organisms which have the ability to prepare their own food. Means कि जिसके अंदर chlorophyll पाया जाता है, plants ले लें, cyanobacteria ले लें, food to autotrophic bacteria ले लें, algae ले लें, इन organisms में chlorophyll presence की वजह से ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. So इनको autotroph कहते हैं. और इन्हीं autotroph की वजह से इस environment के अंदर जो है वो life possible है. क्यों लाइफ पॉसिबल है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस ही तो ऑक्सीजन बन रहा है. और यही ऑक्सीजन जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है. क्यों? यही ऑक्सीजन जो है वो उसको यूज कर रहा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में. सो इसीलिए फोटोसिंथेसिस की वजह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो. रेस्पिरेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल की डिग्रेडेशन होती है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन से एनर्जी बनती है और उसी एनर्जी को जो है यूटिलाइज किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए जिससे हम मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं. सो अब डिफरेंस क्या है? फर्स्ट फोटोसिंथेसिस की अगर बात हो जाए, सो एक्ट एज एन एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस. एनर्जी जो है इसमें स्टोर होती है. और लेकिन जब अगर रेस्पिरेशन की बात हो जाए, एक्ट एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी ऑफ सनलाइट इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी एंड स्टोर्ड इन ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल. यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है. किस चीज से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल से. फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी ऑफ फूड मॉलिक्यूल इज रिलीज एट पार सेलुलर रेस्पिरेशन. यहाँ पे ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो C6H12O6 है, ऑक्सीजन के प्रेस में इसको कन्वर्ट किया जाता है और इनसे कार्बन डाइऑक्साइड और इनसे वाटर मॉलिक्यूल और प्लस ATP बनती है. तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड एज द रॉ मटेरियल्स व्हाइल ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड. अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है इसके रॉ मटेरियल्स है. ग्लूकोज बन जाएगा. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर द रॉ मटेरियल्स while carbon dioxide and water are products. ये glucose और oxygen जो है ये raw material हो गया. Products क्या है? Carbon dioxide और water. यहाँ पर raw material क्या है? Carbon dioxide और water है. Product क्या है? Glucose और oxygen. Oxygen is released as the byproducts. ये oxygen byproduct release कर रहा है. यहाँ पे oxygen is required in aerobic respiration. Aerobic respiration के लिए तो oxygen चाहिए. It takes place only in a green cells of the plants, algae and some other bacteria. यहाँ पे होता है. लेकिन it takes place in all cells of the living organism. सारे living organism में process हो रहा है. It is a constructive aerobic process during which organic food molecules are synthesized and energy is stored. It is a destructive process, catabolism process during which organic molecules are broken down and energy is released. During photosynthesis, plant body gain weight. क्यों glucose बना रहा है? While due to respiration, loss of weight occur. Glucose की degradation हो रही है. It occur only during the day times when sunlight is available, which is necessary for that. क्योंकि photosynthesis के लिए light जो है ना जरूरी है. It occur round the clocks, day and night. It does not require sunlight. Sunlight इसकी जरूरत नहीं है.